लक्ष मंदिर पहुंचने के लिए ऑटो पकड़ लिए हैं, ई रिक्शा पे बैठ गए हैं हम लोग और अब हम लोग लक्ष मंदिर की ओर जा रहे हैं। और अभी हम लोग शंकर आश्रम पे हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं। फाइनली हम लोग अभी कनखल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सामने दक्ष मंदिर है, तो हम लोग अभी मंदिर की ओर चल रहे हैं। चल के फिर आगे का व्यूज़ दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं बाबा जी जा रहे हैं और ये आपका जो है दक्ष मंदिर हो गया। लोग दक्ष मंदिर आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे का ये बैकग्राउंड है, ये आपका मंदिर हो गया। मंदिर में अभी हम लोग चलेंगे, आप ये देख पा रहे हैं पीछे से जो है आपका ये प्रवेश द्वार हो गया। आप यहाँ पे जूता चप्पल अपना जो भी है रख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है आपका शू स्टॉल हो गया, जूता चप्पल आप यहाँ पे उतार सकते हैं। सामने मंदिर है और हनुमान जी का भी एक यहाँ पे मूर्ति है, काफ़ी अच्छा भव्य मूर्ति है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये पीछे का पूरा आपका व्यूज़ दिख रहा है, ये भगवान शिव का मंदिर है और आपको आगे दिखाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा यहाँ पे सती माता ने अपना प्राण त्याग किया था और ये वही मंदिर है, वही दक्ष मंदिर है जहाँ पे सती माता ने अपना प्राण त्याग किया था और तब से यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है और भगवान शिव जी का भी काफ़ी भव्य मंदिर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सारा व्यूज़ दिख रहा है, पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है। ये वही जगह है कनखल का जहाँ पे सती माता ने अपना प्राण त्याग किया था, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ का गंगा घाट है, आप देख सकते हैं कि गंगा घाट पे भी यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। और ये कनखल का गंगा घाट है जो कि दक्ष मंदिर से लगा हुआ है और शाम के समय में यहाँ पे बहुत भव्य आरती होता है गंगा मैया का। तो आज हम लोग शाम को तो रुकने वाले नहीं हैं यहाँ पे, नहीं तो आप लोगों को आरती भी दिखाता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रद्धालुगण नहा रहे हैं और ये यहाँ का सारा कुछ व्यू आपको दिख रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यही जगह पे आरती होता है शाम को और इधर पूरा श्रद्धालुगण दूसरे घाट पे भी नहा रहे हैं, यहाँ पे भी नहा रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ भी है आप देख पा रहे हैं। एयरटेल स्पैम स्पैम एयरटेल स्पैम अच्छा गंगा माता का भी आप लोग दर्शन कर लीजिए।
और गंगा मैया का जल है। अब हम लोग यहाँ से मंदिर में चलेंगे और आपको सारा व्यूज दिखाएंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे फोटो खींचना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चलेंगे अंदर और आपको दिखाएंगे। हालांकि अंदर का वीडियो तो हम लोग नहीं दिखा सकते, लेकिन चलिए फिर अंदर चलते हैं। ये आपका बरगद का पेड़ है, आप देख पा रहे हैं, और नीचे आप यहाँ पे भी दर्शन कर पा रहे होंगे। गंगा मैया है, भोले बाबा भी हैं, भागीरथ भी हैं, तो आप देख पा रहे हैं, आप दर्शन कर पा रहे हैं। हम लोग मंदिर परिसर में दर्शन करके आ गए हैं और अंदर फ़ोटो खींचना मना था, इस वजह से फ़ोटो आप लोगों को नहीं दिखा पाए। और बाकी आप बाहर का व्यूज़ देख सकते हैं, यहाँ पे शिव जी का मूर्ति है और यह सामने भी जो है बहुत सारा मंदिर है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप हनुमान जी का भी दर्शन कर सकते हैं, भैरव बाबा का भी दर्शन कर सकते हैं और माता का भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, गणेश भगवान का भी दर्शन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जी दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा, यहाँ पे दर्शन किया और ये कनखल का मंदिर है और आप मंदिर परिसर में आप सारा कुछ देख लिए हैं। तो आपको आगे दिखाते हैं, एक बार और देख लीजिए, यहाँ का सारा व्यूज है। यहाँ पे हम लोग दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम लोग आगे थोड़ा सा चलेंगे दुकान की तरफ। ये छोटे छोटे दुकानें भी हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी मिलता है, मूर्ति मिलता है, माला मिलता है और बहुत सारा कुछ मिलता है यहाँ पे। तो आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पे घूमने के बाद हम लोग निकलेंगे अब बाहर, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे, आप एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे ये शिव जी हैं और सती माता के लिए भी थे। तो अब हम लोग चलते हैं गंगा घाट की तरफ, यहाँ का भी काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ है, तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालुगण नहा भी रहे हैं, तो गंगा मैया का भी दर्शन करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।